गर्ल्स, कैसे हैं आप सभी? गुड, अच्छे हैं ना? पढ़ाई स्टार्ट कर दी? काफ़ी छुट्टियां कर ली आप लोगों ने? अभी स्कूल भी ओपन हो गए, पर आप लोग नहीं भी आ सकते ना, इसलिए अभी हम क्या पढ़ेंगे? मैथ। क्या है? मैथ। अभी मैथ में क्या करेंगे? रिवीजन। रिवीजन मतलब जो हम पढ़ चुके हैं उसी को वापस पढ़ेंगे। ओके, आप लोग सोच रहे होंगे मैम ने तो ये उस दिन भी पढ़ाया था, फिर आज इस चैप्टर को पढ़ा रहे। मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना? क्या हो जाए? अच्छे से समझ में आ जाए। ये चैप्टर वन पहले भी मैंने कराया था ना एक दिन पहले, आज फिर वापस से इसको समझाऊंगी। इसमें क्या है? ये लेंथ यानी लंबाई, ठीक है। लॉन्ग, लॉन्ग एंड शॉर्ट, लेंथ का क्या मतलब होता है? जैसे कि किसी चीज को नापना, ठीक है। और लंबा, लॉन्ग मीन्स लंबा और शॉर्ट मीन्स छोटा। अब देखिए मैं बता देती हूँ आपको, ये क्या है? ये क्या है? लॉन्ग, ठीक है। और ये शॉर्ट। क्या है ये? ये शॉर्ट, ये लॉन्ग। मैं अभी आपको बोर्ड पर बता देती हूँ। ये यही देखिए आप, ये क्या है? सर्कल। ये सर्कल और एक ये भी है सर्कल, ठीक है ना? ये दोनों सर्कल है ना? अब इसमें हमको ये देखना है कि छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है, ठीक है ना? तो ये क्या है? ये हो गया शॉर्ट। और ये हो गया लॉन्ग, लंबा या बड़ा, बड़ा ही है, ठीक है ना? ये देखिए लॉन्ग टैली एंड शॉर्ट टैली, छोटे और ये मंकी है ना, किस पे बैठा है? ट्री पे। ये क्या है? मंकी लंबा होता है ना और डॉगी छोटा होता है, इसलिए इसको बोला गया। अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। राइट, एल फॉर लॉन्ग एंड एस फॉर शॉर्ट ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट है तो उसमें से देखना है कि लॉन्ग कौन सा और शॉर्ट कौन सा। जो लॉन्ग होगा उसके आगे हम एल लिखेंगे और जो शॉर्ट होगा उसके आगे एस लिखेंगे, ठीक है ना? अब ये क्या है? लिजार्ड। क्या है बच्चों? लिजार्ड। लिजार्ड किसको कहते हैं? छपकली। जो चिपकी रहती है ना दीवारों पे चलती है, वो होती है छपकली, ठीक है? वो लिजार्ड होती है। तो लिजार्ड कैसी होती है? लंबी होती है ना, लॉन्ग होती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एल। और ये क्या है? क्या है ये? बनाना। क्या है ये?
बनाना। बनाना कैसा होता है, लॉन्ग कि शॉर्ट, बताइए बताइए। लॉन्ग। और फिर ये नेक्स्ट नीचे देखिए, ये क्या है, इरेजर। क्या है ये, इरेजर। इरेजर कैसा होता है, शॉर्ट। तो क्या लिखेंगे यहाँ, एस। फिर इधर आइए, स्नैक। क्या है ये, स्नैक। कैसा है ये, लॉन्ग, लंबा होता है ना। और ये एप्पल। क्या है ये, एप्पल। तो एप्पल कैसा होता है, थोड़े से राउंड फिगर में होता है, गोल। तो इसको क्या कहेंगे, एस, शॉर्ट। पेंसिल, पेंसिल तो लंबी होती है, लंबी होती है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, लॉन्ग। गुड, लेट द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट बाय कंपेयरिंग द लेंथ फॉर स्केल एंड इरेजर। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ कि स्टूडेंट टीचर कनर, लेट द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, यानी जो आपका कंसेप्ट है उसको क्लियर करेगी टीचर, जो लॉन्ग और शॉर्ट का है, है ये क्या है, लॉन्ग और शॉर्ट का जो कंसेप्ट है उसको कौन टीचर आपकी जो है वो कंसेप्ट क्लियर कर देगी आपके। ठीक है, लेंथ फॉर स्केल एंड इरेजर, यानी स्केल और इरेजर के साथ में कंसेप्ट होगा क्लियर। ठीक, क्या है ये, ये आपको समझ में आया, इसमें लॉन्ग और शॉर्ट का ही चला है, लेंथ का भाई इसमें क्या, लॉन्ग मीन्स लंबा और शॉर्ट मीन्स छोटा, उसी के बारे में ये बताया गया है आपका। ओके, तो अभी देख लेते हैं, अभी पीछे, अभी हमने पेज पलट लिया ना, तो इसमें क्या दे रखा है पीछे, वेट। वेट का मतलब क्या होता है, तोलना। तो हैवी एंड लाइट, यानी हल्का और हैवी, भारी, वेट कौन सा होता है, तो इसमें क्या दे रखा है, ये LIGHT, लाइट हैट, हैट ये कैप होता है। ठीक है, और हैवी हेलमेट, हेलमेट जानते हो, ये देख पिक आप देख रहे हो ना, ये पापा वगैरह भैया वगैरह जो बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, उस पर जो लगा के जाते हैं हेलमेट, ये वो चीज़ है। ठीक है, और ये हेड, हेड क्या है, जैसे हम लोग कैप लगाते हैं ना, हेड, धूप वगैरह पड़ती है या कहीं घूमने जाते हैं तब लगाते हैं, ये वो वाला हेड है। ठीक है ना, तो आपको लेंथ के बारे में मैंने बताया और वेट के बारे में बताया। जब हम किसी चीज़ को तोलते हैं तो उसका वेट हमको पता चलता है। मार्केट से कुछ लेने गए, जैसे सब्जी वगैरह लेने गए, फल फ्रूट लेने गए या कोई और चीज़ लेने गए, तो उसको तोलेंगे, फिर उसका पता चलेगा कि भाई ये कितना इसका वेट है, ज़्यादा है कम है, तो वो सब मालूम पड़ता है इससे। ठीक है, तो ये इससे, और ये तो वेट का था, और लेंथ का मैंने आपको बता ही दिया कि लेंथ क्या थी। ओके, तो ये लेंथ का है, ये तो मैंने आपका रिवीजन करवाया। और ये बताइए कि, और एक और बता देती हूँ आपको, ये क्या दे रखा है, राइट एच फॉर हैवी एंड एल फॉर लाइट ऑफसेट, ये आपको करना है।
क्या? एच डब्ल्यू, होम असाइनमेंट। क्योंकि इधर तो मैंने आपको करवा ही दिया, बुक में वही लिखा के बता ही दिया, ठीक है ना। और ये आपको घर से करना है, तो इसमें कुछ नहीं करना, हैवी और लाइट का ही फ़र्क है। तो जैसे कि ये अंट है, अंट कैसी है, भारी तो ही ना होती, आपके फिंगर पे या आपके हैंड पे भी चली जाएगी ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, वहाँ हल्का सा लगेगा कुछ चला हमारे इस पर, तो क्या हो जाएगा, लाइट। ठीक है, तो यहाँ एल लिख देंगे, एलिफेंट भारी होता है, कैसा होता है, हैवी होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एच। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एच। और ये नेक्स्ट इधर देखिए, ये क्या है, सॉक्स। क्या है ये, सॉक्स। सॉक्स तो बहुत हल्के होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, हल्के भी होते हैं, तो वो तो आ जाते हैं हाथ में, तो यहाँ लिखेंगे लाइट, एल। ये बैलीज, क्या है ये, बैलीज। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हैवी। ये तो हैवी होती है भाई, इनमें हील्स वगैरह होती है, और ये वैसे भी थोड़ा सा हैवी हो जाती है। और ये क्या है हमारे, ड्राइंग बॉक्स। क्या है ये, ड्राइंग बॉक्स, जिसमें हम अपनी रूल, रबर, शार्पनर, कलर वगैरह सब रखते हैं, है ना, ये वो है। और ये क्या है, बुक। बुक तो ये तो हल्की है, ये तो खैर, बाकी और भी बुक जो होती है ना बहुत हैवी हैवी होती हैं, भारी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे एच, हैवी, यहाँ लिखेंगे लाइट, ठीक है ना। तो ये वर्क आपको करना है घर से, ओके। क्या करना है, ये घर पे करना है, ठीक है। अब ये बताओ, काउंटिंग किस किसने सीखी, हाँ काउंटिंग भी लर्न कर रहे हैं कि नहीं, कौन कौन बच्चे लर्न कर रहा है काउंटिंग, सभी कर रहे हैं, गुड, करना भी है, क्योंकि जब आप स्कूल आएंगे तो आपको से सुना जाएगा, काउंटिंग सुनेंगे, ठीक है, आपको नंबर्स नेम भी करवाएंगे। अब केजी वाले बच्चे तो प्रेप में आएंगे, और देखिए सभी ये क्या हो गया, राइट काउंटिंग। तो आपको क्या करना है, 1 to 100 काउंटिंग लर्न करनी है, और फिर नंबर्स नेम देख, जानते हो आप केजी में से कहते हैं ना, नंबर्स नेम सिखाए थे ना, जैसे कि ओ, एनी वन, टी वन, टी डब्ल्यू, ओ टू, टी एच आर डबल ई थ्री, एफ ओ यू आर फोर, एफ आई एफ ई फाइव, एफ आई वी फाइव, एफ आई वी ई फाइव, तो अभी शुरू में तो आपको 5 तक नंबर नेम लर्न करने हैं, ठीक है। तो अभी आप घर में हो तो आप अच्छे से लर्न कर सकते हो, बुक्स में भी, जो जिन बच्चों ने बुक ले ली है वो बुक में भी नंबर नेम दे रखे हैं, तो ये कम से कम 5 करके डेली मिलेंगे आपको, तो आप डेली लर्न करते जाइएगा, ठीक है। जैसे ओ एन ई वन, टी डब्ल्यू ओ टू, टी एच आर डबल ई थ्री, एफ ओ यू एफ फोर, एफ आई वी ई फाइव, तो इस तरीके से आप सब लर्न कर लीजिएगा, ओके। और ना काउंटिंग 1 to 100 हो गई, नंबर सेम आपके हो गए, तो और हैवी और लाइट वेट के बारे में मैंने आपको बताया, लेंथ के बारे में बताया, लॉन्ग और शॉर्ट लेंथ के बारे में, ठीक है ना।
तो इससे आपको पता चल गया सारा का सारा। फिर काउंटिंग भी हो गई, नंबर्स नेम भी हो गए, पर काउंटिंग सबको लर्न होनी चाहिए 1 to 100। ऐसे ही नंबर्स नेम भी आपको जैसे जैसे मैं डे बाई डे बताती जाऊँगी, जैसे आज मैंने आपको 5 बताए, फिर 5 बता दूँगी, 10 हो जाएंगे, धीमे धीमे आप करोगे तो जल्दी से लर्न हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही अच्छे बच्चों की तरह याद कर लेना, ठीक है ना। ओके, गुड बच्चे हैं ना, अच्छे बच्चे हैं सभी। ओके बाय, गुड बाय।